महाराजगंज जनपद के भारत नेपाल सीमा क्षेत्र के नौतरवा तहसील के ग्राम केवटलिया में निर्माणाधीन इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट का आज भारतीय भूमि पत्तन प्राधिकरण के चेयरमैन आदित्य मिश्रा ने निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने संबंधित विभाग एवं स्थानीय उच्च अधिकारियों के साथ बैठक कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। चेयरमैन आदित्य मिश्र ने कहा, आईसीपी का निरीक्षण कर जिम्मेदारों को कार्य में प्रगति लाने, निर्माण कार्य में मानक एवं गुणवत्ता की अनदेखी न करने, निर्माण कार्य में लगे कर्मचारियों की सुरक्षा और व्यवस्था का ध्यान रखने के निर्देश दिए। दैनिक भास्कर के लिए महाराजगंज से शत्रुंजय सिंह के साथ विजय चौरसिया की रिपोर्ट। ये जो लैंड पोर्ट बन रहा है, ये सुनौली का बहुत महत्वपूर्ण है और बहुत समय से पेंडिंग चल रहा था, तो इसको हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि अब जल्दी से जल्दी बना लें। और आपकी जानकारी में हुआ कि दूसरी तरफ भैरवा में भी नेपाल सरकार भी इसी तरह का एक लैंड पोर्ट बना रही है। तो ये जो भी इस माध्यम से ट्रेड होता है नेपाल के साथ, उसको बहुत ज़्यादा सुविधा मिलेगी। और साथ ही साथ ये रूट जो है, ये बुद्धिस्ट सर्किट का बहुत महत्वपूर्ण रूट है। बहुत सारे विदेशी सैलानी इधर से नेपाल जाते हैं, तो उनके लिए भी उचित सुविधा यहाँ प्राप्त होगी। तो उन सब को देखते हुए ये काफ़ी मॉडर्न स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश की जा रही है, जिससे कि सारी सुविधाएँ यात्रियों को मिले और इस क्षेत्र के लिए भी बड़ा अच्छा रहेगा, क्योंकि सड़क भी आप जानते हैं कि 4 लेन हो रही है, और तो इधर से ट्रेड और बढ़ेगा, लोगों का टूरिस्ट का मूवमेंट भी बढ़ेगा, तो यहाँ के लिए भी अच्छा रहेगा। तो इसी कोशिश की जा रही है कि ये 1.5 से 2 साल में पूरी बन के खड़ी हो जाए। सर, इससे बनने से कितना फ़ायदा होगा लोगों को? फ़ायदा ज़रूर होगा, क्योंकि अभी यहाँ पे कोई इंफ्रास्ट्रक्चर है नहीं, तो अभी एक तो असुविधा सड़क पे होती है, सारे ट्रक जो है वो शहर के माध्यम से जाते हैं, तो शहर में भी खतरा एक बना रहता है एक्सीडेंट्स का। और ये जब बाईपास बन जाएगा तो सारा हैवी ट्रैफिक इधर से रूट हो जाएगा, और जो पैसेंजर्स भी होते हैं उनको भी इधर से ही रूट कराया जाएगा। तो आपके जो शहर है उसमें थोड़ी सी शांति हो जाएगी, और एक अत्याधुनिक जो है वो सुविधा सभी लोगों को उपलब्ध हो जाएगी। तो बहुत ज़्यादा सिस्टम भी बन जाएगा, सिक्योर भी हो जाएगा, सुरक्षा के दृष्टिकोण से भी बहुत अच्छा हो जाएगा। सर, आज के निरीक्षण में क्या पाए आप? बस यहाँ कार्य जो है वो उसको और तेज़ी से कराने की कोशिश की जा रही है, जिससे कि जल्द से जल्द बन के खड़ा हो जाए। तो उसका निरीक्षण कार्य का और उसको तेज़ी से कराने के लिए निर्देश दिए गए हैं। 2025 अंत तक ज़रूर आपको दिखने लगी, लेकिन मुझे लगता है कि ये चालू होते होते हो सकता है अंत हो जाए 2025 का।